जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार साइंस एकेडमी। आज मैंने क्लास 12th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से आज समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे, क्लास 12th की केमिस्ट्री का सिलेबस क्या चीज़ होता है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्लास 12th की केमिस्ट्री जो है इसको तीन भागों में हमको पढ़ना पड़ता है। एक तो होता है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा है आपका बाबू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है आपका क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री को हम कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है इसको कहते हैं भौतिकी रसायन, इसको कहते हैं क्या कहते हैं जी, भौतिकी रसायन कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन, क्या कहते हैं जी, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फिजिकल जो केमिस्ट्री होता है इसमें कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी होती है, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी होती है। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है बाबू, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको पहला चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए, पहला चैप्टर को हम कहते हैं ठोस की अवस्था, क्या कहते हैं जी, ठोस की अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी ठोस अवस्था इसको कहते हैं। दूसरा जो चैप्टर हमको पढ़ना है, दूसरा चैप्टर फिजिकल में पढ़ना है जिसको कहते हैं बिलियन के बारे में पढ़ना है, और तीसरा चैप्टर जो बाबू हमको पढ़ना है, तीसरा चैप्टर को हमको इसको कहते हैं वैद्युत रसायन, क्या कहते हैं जी, वैद्युत रसायन कहते हैं। और चौथा चैप्टर जो आपका है, चौथा चैप्टर को हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। और इसमें एक लास्ट चैप्टर पढ़ना है, पांचवा चैप्टर जिसको हम कहते हैं पृष्ठ रसायन, इसको कहते हैं, ठीक है ना, पृष्ठ रसायन। तो ये पांच चैप्टर जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। इसी तरह आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर वह होता है धातु कर्म, क्या पढ़ना है जी, धातु कर्म पढ़ना है। और दूसरा जो चैप्टर है आपका, इसका दूसरा चैप्टर, उसको कहते हैं हम पी ब्लॉक के तत्व, क्या कहते हैं जी, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना। और पी ब्लॉक जो तत्व होता है इसमें कई भाग होते हैं, इसके पी ब्लॉक तत्व में पहला जो भाग इसको पढ़ना होता है, पहला चैप्टर जो इसमें आता है उसको कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा इसका पार्ट जो होता है उसको कहते हैं हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व, क्या कहते हैं जी, ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ना होता है। उसी तरह अगला जो चैप्टर होता है इसका, हैलोजन परिवार के बारे में पढ़ना होता है, किसके बारे में जी, हैलोजन परिवार के बारे में पढ़ना है। उसी तरह इसी में नाइट्रोजन परिवार में एक और चैप्टर आपको मिलेगा, इसी में मिलेगा पढ़ने के लिए, हैलोजन परिवार के बाद, जिसको कहते हैं अक्रिय गैस प्रभाव, यानी अक्रिय गैसों के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। या आपको पढ़ना है इतना चीज पी ब्लॉक के तत्वों में। आगे जो हम पढ़ेंगे इसका दूसरा जो चैप्टर है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बाबू आपको दूसरा चैप्टर है उसको, उसे हम कहते हैं
एफ एवं डी ब्लॉक के तत्व, क्या कहते हैं जी? एफ एफ एवं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ एवं डी ब्लॉक के तत्व के बारे में पढ़ना है, और इसमें एक लास्ट चैप्टर जो है आपको, एक लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक लास्ट चैप्टर है जिसको हम कहते हैं उपसंयोजी यौगिक। क्या कहते हैं जी? उपसंयोजी यौगिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? तो इतना चीज आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ में। उसी तरह आप जानेंगे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर थोड़ा ध्यान देंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि आपको पहला चैप्टर बाबू मिलता है, उस पहले चैप्टर का नाम होता है हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन। हैलो एरिन के बारे में जानेंगे। हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन पढ़ना है, ठीक है ना? उसी तरह जो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं जी? अल्कोहल कमा ईथर, इसको कहते ईथर, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। अल्कोहल, ईथर और फिनॉल, ठीक है ना? फिनॉल, अल्कोहल, ईथर और फिनॉल के बारे में हमको पढ़ना होता है दूसरे भाग। तीसरा जो चैप्टर आता है इसके अंदर, उसमें हमको पढ़ना होता है एल्डिहाइड। क्या पढ़ना होता है जी? एल्डिहाइड, ठीक है ना? एल्डिहाइड के बारे में जानना होता है, एल्डिहाइड हो गया, एवं कीटोन के बारे में जानना होता है। एल्डिहाइड कीटोन के बारे में जानेंगे। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल होता है। क्या पढ़ना होता है जी? कार्बोऑक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना? हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बोऑक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना होता है। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल के बारे में जानना होता है, ठीक है ना? कार्बोऑक्सिलिक हमको पढ़ना होता है। इसके बाद जो आपको अगला चैप्टर जो मिलेगा बाबू, अगला चैप्टर को हम कहते हैं चौथा, जो आपको इसमें चैप्टर पढ़ना है वह होता है आपको जैव अणु के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में जी? जैव अणु के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना? इसी तरह अगला चैप्टर आपको पाँच नंबर जो चैप्टर है आपको, उसको हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं जी? बहुलक, ठीक है ना? बहुलक होता है। उसी तरह एक लास्ट चैप्टर इसके अंदर है, छठा चैप्टर जो होता है उसको हम कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, यानी दैनिक जीवन में रसायन का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। तो इतना चैप्टर हमको पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री के अंदर। तो एक बार फिर से सिलेबस पर ध्यान देंगे। सिलेबस क्या है कि सिलेबस जो केमिस्ट्री का है, इसमें तीन चीज़ पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है ठोस की अवस्था के बारे में पढ़ना है, पहला जो चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर विलयन के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ना है। और चौथा चैप्टर जो होता है उसको कहते हैं रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, ठीक है ना? इसी तरह एक लास्ट चैप्टर जो होता है इसके अंदर, जिसको कहते हैं पृष्ठ रसायन, ये जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, ठीक है ना? उसी तरह उसके बाद अगला जो मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर होता है धातु कर्म होता है, मेटल के बारे में जानना होता है। दूसरा जो चैप्टर आता है पी ब्लॉक तत्व, और पी ब्लॉक तत्व के अंदर ही हमको पढ़ना होता है नाइट्रोजन तत्वों के बारे में, नाइट्रोजन परिवार के बारे में, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में जानना होता है, और अक्रिय गैसों के बारे में जानना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर होता है इसको कहते हैं एफ एवं बी ब्लॉक के तत्व, एफ एवं सॉरी दूसरा जो होता है एफ एवं डी ब्लॉक के तत्व होता है, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं उपसंयोजी यौगिक के बारे में, ठीक है ना। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है इसके अंदर जो पहला चैप्टर होता है इसको कहते हैं हेलोएरिन, दूसरा चैप्टर जो होता है इसको कहते हैं अल्कोहल ईथर एवं फिनोल के बारे में पढ़ना होता है। उसी तरह तीसरा चैप्टर होता है जिसको कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में जानना होता है। चौथा चैप्टर जो इसको कहते हैं जैव अणु के बारे में पढ़ना होता है, और पांचवा चैप्टर जो होता है बहुलक होता है, और छठा चैप्टर जो होता है उसको कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। तो यह हुआ आपके क्लास 12 का केमिस्ट्री। अब हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ठोस की अवस्था, ठोसों के बारे में जानेंगे कि आखिर ठोस होता क्या है, उसकी अवस्थाएँ कितनी होती है, ठीक है ना। तो आज के क्लास इतना ही तक रहेगा। जय हिंद।